सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक में श्रीरंगपट्टा के बाद अब मलाली स्थित मस्जिद को लेकर विवाद, मरम्मत के दौरान मंदिर की संरचना मिलने का दावा। इतिहासकार इरफान हबीब का बड़ा बयान, कहा हा औरंगजेब ने ही तुड़वाया था काशी और मथुरा का मंदिर। प्रदेश में आंधी के साथ साथ बारिश का कहर, 39 लोगों की मौत, कई राज्यों में तेज हवा के साथ पड़ेगी बौछारें। बारिश है फसल और फल को लाभ, तो आंधी से नुकसान हरियाणा में कपास, तो बिहार में बढ़ेगी लीची की मिठास। असम में बुलडोजर पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने बताई बदले की कार्रवाई, भाजपा का आरोप जिहादियों ने जलाया थाना। WHO ने कहा कोरोना और मंकी पॉक्स बड़ी चुनौती, भारत सरकार भी एक्शन मोड में, महाराष्ट्र में 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। कराची में है दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन के भांजे अली शाह ने ईडी के सामने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली में भीषण गर्मी और प्रदूषण से राजधानी वासियों को मिली राहत, हवा की गुणवत्ता के स्तर में आया सुधार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले बेरोजगारी ने तोड़ा रिकॉर्ड, राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू हो स्कीम। आंध्र प्रदेश YCR MLC अनंत सत्य उदय भास्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20,000 के लिए ड्राइवर की हत्या करने का। केरल के सीएम पिनराई विजय का कांग्रेस पर तंज, कहा लोगों को बीजेपी में भेजने का सिस्टम है पार्टी। चेन्नई एयर कस्टम टीम को मिली बड़ी सफलता, जब्त किए किलोग्राम सोना और विदेशी मुद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलमेज बैठक में लिया हिस्सा, जापान के शीर्ष कारोबारी रहे मौजूद। भारत ने विश्व को दिया आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र, जिसका हो नुकसान वही कर निर्माण, तीन भागों में होना चाहिए पुनर्निर्माण का कार्य। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में WHO को घेरा, कोरोना से मौत के आंकड़ों की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अस्पतालों और होटलों पर कहर बनकर टूटा बुलडोजर, गेस्ट हाउस की दीवारें और बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। हमीरपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह ने 6 सदस्य हुए गिरफ्तार, पुलिस ने असलाह और कारतूस समेत नकदी भी की बरामद। हरदोई में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, रफ्तार ने ली पिता बेटे की जान, हादसे में मां बेटी गंभीर रूप से घायल। में लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने लापता युवक को ढूंढने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया।
बलरामपुर में दो पक्षों में विवाद, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस से भी धक्का मुक्की की गई। सोनभद्र में हत्या आरोपी महिला और प्रेमी को उम्र कैद। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, 8,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल और 22 किलो गांजा हुआ बरामद। बस्ती में बीजेपी विधायक ने अधिकारियों पर लगाया आरोप, दो अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सीएम योगी से कार्रवाई की मांग। फरीदाबाद में इंसाफ के लिए तरसा युवक, जमीन में लिए भाई बने भाई के दुश्मन। कानपुर में मालगाड़ी के दो डब्बे पटरी से उतरे, चौबेपुर स्टेशन पर हादसा। सूचना पर आरपीएफ पुलिस चौबेपुर थाना पहुंची। लखनऊ में चोरों के हौसले हुए बुलंद, सर्राफा दुकान से कई ग्राम सोना पार, करीब 14 किलो चांदी और 400 ग्राम सोना पार करके मौके से हुए फरार। रायबरेली में अंधेरे में निरीक्षण पर उठे सवाल, टूटे पुल के निरीक्षण पर पहुंचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर समर बहादुर सिंह। 3 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया था ओवरब्रिज। रायबरेली में रफ्तार ने बरपाया कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टेम्पो को मारी टक्कर। डॉक्टर ने 4 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और आर्थिक सहायता देने का निर्देश। कानपुर में नाबालिग के मतांतरण के बाद 30 साल की महिला से निकाह के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त। प्रकरण में अखिलेश यादव, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वकील हरिशंकर पांडे ने दी अर्जी। कानपुर देहात के परौक गांव पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी, राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को परखा। विधान परिषद में निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन की तारीफ, दिनेश शर्मा बोले सत्ता पक्ष के संकट को भी उबार देते थे। डेंगू को लेकर सावधान रहने की जरूरत, मेरठ में 3 महीने पहले ही मिला एडीज मच्छर, बारिश में बढ़ेगा संक्रमण। बारिश ने गर्मी भगाई, हवा मुस्कुराई, दिन का पारा 11 डिग्री सेल्सियस तुड़का, 12 मिलीमीटर से ज्यादा हुई बारिश। देश के 19 जिलों को मोदी सरकार का तोहफा, बदलेगी बिजली घर की तस्वीर। राजधानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 100 बिजली उपकेंद्र है। लखनऊ में कुत्ता पालने वाले हो जाए सावधान, अब बिना वैक्सीनेशन कार्ड नहीं मिलेगा लाइसेंस। तकनीकी विश्वविद्यालय में अब योग और शारीरिक शिक्षा बढ़ाई, अलग विभाग बनेगा। गोरखपुर में बारिश ने सुहाना किया मौसम, औसत से 2 डिग्री नीचे आया पारा। पूर्व हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। मेरठ में लगा मानो कुल्लू जैसी हिल स्टेशन हो, बारिश और हवाओं ने मौसम को किया गुलाबी।
येलो अलर्ट, सुबह से आसमान में छाए बादल, तेज आंधी बारिश की संभावना, भीषण गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच यूपी विधान भवन की गुल हो गई बिजली, 3 अभियंता निलंबित, 1 की सेवा समाप्त। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने 24 घंटे में दूसरी बार अखिलेश को दी सलाह, कहा या आराम करने का वक्त नहीं घर से बाहर। बढ़ेगी राम मंदिर की भव्यता, मकराना के सफेद मार्मल से निर्मित होगा रामलला का गर्भगृह। विधानसभा आए लेकिन कार्यवाही में शामिल नहीं हुए आजम मुलायम के हालचाल लेने के सवाल पर किया था। बदला हुआ है उत्तराखंड का मौसम, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हो रही बारिश। पत्थर और सिर से पटा कलसिया नाला, इस बार 200 घरों के लिए बनेगा मुसीबत। उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम तो शुरू कर दिए गए पर शिक्षकों की पद नहीं। तेल के दामों में कटौती से जनता को राहत, देहरादून में 95.22 रुपए में मिल रहा पेट्रोल। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर भर्ती होने आए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 2 युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड में चुनाव प्रबंधन मजबूत करने की कांग्रेस की रणनीति, सुझाव पर किया जाएगा अमल। उत्तराखंड में चुनाव प्रबंधन मजबूत करने की कांग्रेस की रणनीति, सुझाव पर किया जाएगा अमल। रावत बोले, उत्तराखंड में राजनीति करने तक सीमित रह गया स्थायी राजधानी का सवाल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हिंदू मुसलमान से ऊपर उठने का किया आह्वान, कहा ज्ञान वापी ऐतिहासिक निर्णय लेने का विषय। उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगाएगी सिमान, पर्यटन छोटा कैलाश और टिटमरसैंण महादेव जैसे स्थल आएंगे पर्यटन मानचित्र पर। उत्तराखंड भी अपने छोटे छोटे नवाचारों से शिक्षक छात्रों से विकसित कर रहे हैं वैज्ञानिक सोच। देहरादून के माइक्रोसॉफ्ट में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की छात्रा मुस्कान को मिली जॉब, मिलेगा 48 लाख का सालाना पैकेज। बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा, सुरक्षित पड़ाव पर रोके गए 12,000 तीर्थयात्री। हरिद्वार में खुदाई के दौरान मजदूर गड्ढे में गिरा, अचानक ऊपर से गिरा मिट्टी का ढांग, दबकर हुई मौत। उत्तराखंड में जानलेवा साबित हुई बारिश और अंधड़, 2 लोगों की हुई मौत। चंडीगढ़ बॉर्डर से कार लूट कर भागे 2 सगे भाई, हरिद्वार में गिरफ्तार। क्वाड की रणनीति से अपने ही गढ़ में जीत हुआ ड्रैगन, कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की करारी हार।
टोक्यो में अमेरिका भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच एक विश्वास की है साझेदारी। कम नहीं हो रही है रोहिंग्या की मुसीबत। पलायन करने वाले शरणार्थियों से भरी नौका पलटी, 14 शव हुए बरामद। उत्तरी वजीरिस्तान में हुआ आतंकी हमला, दो पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। के लांगमार से निपटने में जुटी पुलिस, शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू कराना चाहते हैं इमरान। टोक्यो में क्वाड लीडर समिट की बैठक, पीएम मोदी बोले, क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान बनाया। सम्मेलन में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन संकट क्षेत्रीय नहीं वैश्विक मुद्दा। टोक्यो में भारतीय प्रवासियों से बोले पीएम मोदी, हमने लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोकतंत्र का इस्तेमाल किया। सऊदी अरब में पहली बार सिर्फ महिलाओं ने उड़ाया विमान, रियाद से जेदा तक का हवाई सफर। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धमकी से भड़का चीन, कहा, हमें हल्के में ना ले। फार्मा ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर टीबियो टेक और सूरज स्टेट डेवलपर्स को मिली आईपीओ लाने की मंजूरी। विशेषज्ञों ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कटौती से राजकोषीय घाटे पर बढ़ेगा दबाव। WEF में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे नेतृत्व। पीएम गति शक्ति के जरिए पूरे होंगे 500 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रा प्रोजेक्ट, वित्त मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज से की 645 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मिनिमम बैलेंस न रखने वालों से करोड़ों की वसूली। पीएम मोदी ने जापानी कारोबारियों को भारत में निवेश का दिया न्योता, एनईसी सुजुकी सॉफ्ट बैंक और न्यूक्लो के पदाधिकारियों से मिले। साल 2021-22 में एफडीआई इनविटी इन्फो 1% की गिरावट के साथ 58.77 अरब डॉलर रहा। टीडीएस बकाया रहने पर नहीं शुरू की जा सकती दिवालिया प्रक्रिया, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी कोलकाता पीठ के आदेश को किया खारिज। फिर से नीतिगत दरों को बढ़ा सकता है आरबीआई, गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाएंगे सख्त कदम। अगले महीने होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, टैक्स चोरी रोकने के लिए हो सकता है बड़ा बदलाव। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने असिस्टेंट कोच बने पूर्व कीवी कप्तान डेनियल विटोरी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐलान। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी, क्रिकेट ने ही लगाया दिल्ली कैपिटल के कप्तान को चुना।
इरफान पठान की खोज है, उमरान मलिक भारतीय टीम में सिलेक्शन पर मनाया जश्न। पाकिस्तानी कप्तान ने ईशान किशन का किया बचाव, कहा रोहित शर्मा और विराट कोहली भी तो फ्लॉप रहे। राजस्थान रॉयल्स एकमात्र फ्रेंचाइजी है जिसने इस भारतीय खिलाड़ी का एकदम सही उपयोग किया, हरभजन सिंह का बयान। सुपरनोवास ने पहली मैच से टेस्ट में लेजर्स को 49 रन से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने खेली सबसे बड़ी पारी। ढाका टेस्ट के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस को अचानक उठा सीने में दर्द, अस्पताल में भर्ती। विद्वान साहा ने अबिडन गार्डन को अपना घरेलू मैदान मानने से किया इनकार। शिखर धवन ने आईपीएल में रचा इतिहास, बना डाला चेको का नया रिकॉर्ड। लिटन दास और मुशाफिर कुर हरीम ने शतक से बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ की जोरदार वापसी। करण जौहर पर लगा स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, राइटर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पुख्ता सबूत। कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को पसंद आई भूल भुलैया 2 फिल्म की सफलता पर कार्तिक आर्यन को दी सलाह। धाकड़ के फ्लॉप होते ही ट्रोल हुई कंगना रनौत, ट्रोलर्स बोले जेसीबी की खुदाई देखने इससे ज्यादा लोग आते हैं। कपूर के रिसेप्शन में पहुंची न्यासा देवगन, अजय देवगन की बेटी ने पिंक ड्रेस में दिखाया अपना अलग होता। पृथ्वीराज के मखमली गाने का ट्रीजर हुआ आउट, अक्षय मानुषी की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री। पुलिस फोर्स के एक्शन सीन के लिए रोहित शेट्टी को लेनी पड़ी 27 किलो के कैमरा की मदद, मार धाड़ देख रह जाएंगे तेहरान। छह सालों बाद टीवी पर वापसी करेगी झलक दिखला जा शो, जज बनने के लिए शाहरुख खान और काजोल को किया गया अप्रोच। प्रियंका चोपड़ा ने ढोल की बीट्स पर किया जबरदस्त भांगड़ा, पत्नी का अंदाज देख हैरान रह गए निक जोनस। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने धूमधाम से मनाया मां वृंदा का बर्थडे, शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीर। भरूचा के सिर चढ़कर बोला बर्थडे पार्टी का खुमार, एक्ट्रेस ने किया जमकर हंगामा। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।